अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को प्रदेश भर में सत्याग्रह किया और इस योजना को वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से की गई। इस दौरान झज्जर में खुद राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा लघु सचिवालय में सत्याग्रह करने अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। इस सत्याग्रह में झज्जर और बेरी हलके के कांग्रेस विधायक भी दीपेंद्र हुड्डा के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों की तरह अब विदेशों की तर्ज पर अग्निपथ योजना लेकर आई है जो यहां कामयाब नहीं हो सकती। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इसराइल में 0% बेरोजगारी है, इसलिए वहां सेना में लोग भर्ती नहीं होना चाहते हैं, मगर भारत में हालात अलग हैं। हमारा जो धरना था वो देशव्यापी मुहिम कांग्रेस पार्टी की तरफ से है और अग्निपथ योजना की हमारी मांगे वापस हो, और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये योजना ना तो राष्ट्र हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना देश के नौजवान के भविष्य के हित में। इस योजना को बिना किसी विचार विमर्श करे सरकार ने किसी दूसरे देश से कॉपी करके इसराइल बता रहे हैं, और एकदम से हिंदुस्तान जैसी फौज जो दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ फौज मानी गई है उसकी नींव हिलाने का काम इस सरकार ने किया है। हम ऐसा कोई भी कदम जो देश की फौज को कमज़ोर करता हो ऐसे कोई भी कदम को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र और प्रजातांत्रिक तरीके से इस सरकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे सड़क से संसद तक, और लड़ी रहे लगातार आप देख रहे हैं। सर, जैसे कि तीनों जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा वायुसेना, थल सेना और नेवी के, तो आर्मी चाहती है सर कि फौज यंग होनी चाहिए क्योंकि 2.5 लाख माउंटेन डिवीजन इंडिया के पास है। ऐसा है कि वो अपने प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं और उनका सरकार की भाषा बोल रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल है, उनका जो है तीनों जो हमारे आर्म फोर्सेस के चीफ हैं उनकी एक गरिमा है, उनकी सीमाएं हैं और उनका अपना एक प्रोटोकॉल है और उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो फैसला है ये राजनीतिक फैसला है क्योंकि इसकी घोषणा राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा की गई है और ये कहा गया है कि 10 लाख रोजगार देंगे और फौज में अग्नि ये योजना लेके आएंगे। अगर ये कोई फौज के द्वारा अगर कोई प्रपोजल होता और फौज की बात होती तो पहले बोलना चाहिए था, पहले बोलते हो। बता दें कि कांग्रेस देश भर में सत्याग्रह करके युवाओं के साथ प्रदर्शन कर रही है। उनकी मांग है कि सरकार इस योजना को वापस ले। कांग्रेस की दलील है कि इस योजना से युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। बहरहाल अग्निपथ योजना के खिलाफ आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, भारी संख्या में युवा आवेदन भी कर रहे हैं, लेकिन इधर युवा और किसान संगठन लगातार अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इनकी तरफ देखकर कोई कदम उठाती है या फिर भर्ती को जारी रखती है। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।